भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ रही है और इसीलिए सरकार ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाने का भी फैसला किया है। लेकिन एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को निशाने पर ले रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर है और इसी कड़ी में कमलनाथ जो कि पूर्व सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वे छिंदवाड़ा पहुंचे थे और छिंदवाड़ा में जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि 7 दिन का लॉकडाउन वहां लगा हुआ है। कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां पर उन्होंने तीखे वार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर और सरकार की कोरोना को लेकर हो रही तैयारियों पर ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों का सही आंकड़ा जानना है तो शमशान घाट जाके देखिए। शमशान घाट में जिस तरह से जो मौतें हो रही हैं, जो वहाँ पर जो लाशें पहुँच रही हैं, उससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा कितना बड़ा है और सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस आंकड़े को छिपा रही है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार पूरी तरह से बनावटी आंकड़े कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत की पेश कर रही है और वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि जब आग लगी थी तब कुआं खोदना चाहिए था, लेकिन तब शिवराज सरकार शांत से बैठे हुए थे और अब जब आग लग चुकी है तब वो कुआं खोद रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे भोपाल में और वो तमाम जनता से आग्रह कर रहे थे कि वो मास्क लगाए। इसके ऊपर कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तंज किया और कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो नौटंकी कर रहे हैं और अगर उनको वाकई में नौटंकी करनी है तो वो मुंबई क्यों नहीं चले जाते, उनको बॉलीवुड चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि कमलनाथ ने ये भी कहा है कि जो टेस्टिंग है मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की वो बहुत कम हो रही है, साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जो नौटंकी है वो नहीं करनी चाहिए, किस तरह से संक्रमण को फैलने से रोका जाए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर सरकार ही नौटंकी करेगी तो फिर आम जनता आखिर क्या करेगी, किसके पास जाएगी और किससे शिकायत करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो डबलिंग रेट है कोरोना का वो प्रदेश में 12% पर पहुंच गया है। मौतों के आंकड़े आप लोगों के सामने हैं और लगातार जो है विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है क्योंकि कई जगहों से, कई ज़िलों से मध्य प्रदेश में जो है अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो सामने आई है, दवाइयों की कमियां सामने आई हैं, कई ज़िलों में वैक्सीन की भी कमी की खबरें आ रही हैं और इन सब के बीच अब शिवराज सरकार जो है वो एक बार फिर कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए और क्या व्यवस्थाएं शिवराज सरकार की चल रही हैं उसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है और लगातार कमलनाथ और पूरी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो शिवराज सरकार को घेर रही है।